ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास जो बारूद और शस्त्र हैं, वो कहां से आते हैं? ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? ये विदेश से घुसपैठी कैसे घुस जाते हैं? ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? हमें जवाब दीजिए कि ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास जो बारूद और शस्त्र हैं, वो कहां से आते हैं? वो तो विदेश की धरती से आते हैं और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में हैं। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। हम आपसे दूसरा सवाल करते हैं, आतंकवादियों के पास धन आता है, कहां से आता है? पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि जो धन विदेश से आकर आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते? हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है। पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंदर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? हम तीसरा सवाल उन्हीं की भाषा में पूछते हैं कि जो विदेशियों से जो घुसपैठी आते हैं, घुसपैठी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटना करते हैं, भाग जाते हैं, प्रधानमंत्री जी आप हमें बताएं कृपा करके, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठी कैसे घुस जाते हैं? कि विदेशों से घुसपैठी आते हैं, घुसपैठी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, विदेश में बैठकर जो हिंदुस्तान की आतंकवादियां घटनाएं निर्देशित कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण यानी एक्सट्रेडिशन के द्वारा विदेश से हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है, आपकी विदेश नीति में क्या इतनी भी ताकत नहीं है? हमने पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है, आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है कि आप अभी तक एक भी आतंकवादी को दुनिया के किसी देश से हिंदुस्तान आप ला नहीं पाए हो?